प्रदेश स्वास्थ्य विभाग में हुए तथाकथित घोटाले को लेकर प्रदेश कांग्रेस लगातार निष्पक्ष जांच की मांग कर रही है। प्रदेश कांग्रेस इसके लिए प्रदेश भर में अभियान चलाकर एसडीएम व उपायुक्तों के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन प्रेषित करेगी। वहीं जनता को भी भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार को लेकर जागरूक किया जाएगा। ये बात प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में हुए तथाकथित घोटाले मामले को लेकर कांग्रेस सरकार को लगातार घेरती नजर आ रही है और लगातार मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की जा रही है। सोमवार को शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि कांग्रेस भाजपा के खिलाफ आगामी 20 जून से 27 जून तक प्रदेश भर में अभियान चलाने जा रही है, जिसमें भाजपा की गलत नीतियों व भ्रष्टाचार के बारे में आम जनता को जागरूक किया जाएगा। वहीं प्रदेश भर में एसडीएम व उपायुक्तों के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन प्रेषित कर मामले में उच्च न्यायालय के सिटिंग जज से जांच की मांग की जाएगी। कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि कांग्रेस अब विजिलेंस की जांच से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि इस जांच में सिर्फ लीपापोती की जा रही है। उन्होंने कहा कि जब से भाजपा की सरकार बनी है तब से लेकर अभी तक स्वास्थ्य विभाग में हुई खरीद और दवाओं की गुणवत्ता की जांच की जानी चाहिए। सरकार को इस पर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। जो मेडिकल स्कैम हुआ है, जहां मुख्यमंत्री जी से इस्तीफा मांग रहे हैं, वहां हमारी जो कांग्रेस पार्टी की मांग है कि जांच उच्च न्यायालय के पीठासीन जज से होनी चाहिए, उसको लेके हम चल रहे हैं। इस अभियान को हम ब्लॉक स्तर तक ले जाने वाले, हमने निर्णय लिया है कि हमारी जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटीज हैं पूरे हिमाचल में, सारी कमेटियां जो स्थानीय प्रशासन है, एसटीएम है, ज्ञापन देंगी महामहिम राज्यपाल को, उनकी मार्फत ज्ञापन दिया जाए और इस मामले को लोगों के संज्ञान में लाएंगे। और जो हमारी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं वो मीडिया से रूबरू होंगे। ये कार्यक्रम हमारा 20 तारीख से लेके जो है 27 तारीख तक चलेगा। 20 को शिमला, 22 तारीख को हमीरपुर और सोलन, 23 को कांगड़ा, 24 को बिलासपुर और 25 को मंडी, बिलासपुर और किन्नौर, 25 को मंडी, 26 को सिरमौर और चंबा, 27 को कुल्लू और उल्ला। तो ये अभियान हमारा 27 तारीख तक चलेगा। उसके बाद हम और भी कार्यक्रम बनाने वाले हैं, क्योंकि एक बात स्पष्ट है कि हम इस मामले में सरकार को छोड़ने वाले नहीं, क्योंकि हमें मालूम है जो सरकार ने कमेटी बनाई है वो कमेटी सरकार के अधीन है और कोई भी अधिकारी जरूरत नहीं कर सकता कि वो अपने से बड़े अफसरों के खिलाफ और प्रदेश के आला नेताओं के खिलाफ जो सरकार में बैठे हैं उनके खिलाफ जांच करे। इस दौरान कुलदीप सिंह राठौर ने सेंटर को भेजे गए बिल के भाजपा द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर कहा कि भाजपा उस बिल के बारे में पूरी जानकारी दे कि कौन सा बिल भेजा गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा झूठ का प्रचार कर ध्यान भटकाने का काम कर रही है। इस दौरान कुलदीप सिंह राठौर ने सरकार से प्रदेश में आगामी सेब सीजन को देखते हुए लेबर की भी उचित व्यवस्था करने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।